दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और सिंघू बॉर्डर की आज सुबह की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए कि कैसे सिंघू बॉर्डर को अभेद किले में बदल दिया गया है। इस वक्त हम लोग दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली जाने वाले फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर के, और नीचे आप देखेंगे कि कैसे गिट्टी और सीमेंट के सहारे ये जो कॉन्क्रीट वॉल्स बनाई गई हैं इन्हें पक्का कर दिया गया है ताकि अगर किसान गलती से भी सिंघू बॉर्डर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करें, शंभू बॉर्डर को अगर वो क्रॉस कर लें तो उसके बाद वो ट्रैक्टरों से इन ब्लॉक्स को गिरा ना पाएं, क्योंकि शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आपको याद होगी जहां पर किसानों ने ये जो कॉन्क्रीट वॉल सामने आपको दिख रही हैं इन्हें ट्रैक्टर के सहारे खींच लिया था। तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसान वैसी स्थिति ना कर पाए सिंघू बॉर्डर पर जैसी स्थिति उन्होंने कल शंभू बॉर्डर पर करने की कोशिश की थी। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे दोनों तरफ से पहले एक तरह से कंक्रीट वॉल्स लगाई गई हैं और फिर उन कंक्रीट वॉल्स को पक्का भी करा गया है मसाले के सहारे। अब दाईं ओर की आपके पास तस्वीर दिखाते हैं सामने की। आज घना कोहरा है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद उस घने कोहरे में आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाई देंगे जो कि ब्लू हेलमेट लगाए हुए हैं। उसके अलावा दिल्ली पुलिस है और एक पूरी छावनी में इस वक्त दिल्ली का सिंघू बॉर्डर बना हुआ है, जहां पर आप देखिए कि कैसे कॉन्क्रीट वॉल लगाई गई है, कैसे बैरिकेटिंग की गई है और हूबहू वैसी ही स्थिति है जैसे जब सेना जंग लड़ने जाती है तो वो अपने हथियारों को, शील्ड को, इन सारी चीज़ों को रखती है। तो कुछ इसी तरह से यहाँ का इस वक्त नज़ारा है। ये आप देखिए, ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं और यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैदी से खड़े हैं। पास में उनके आंसू गैस छोड़ने वाली मशीन है और उसके अलावा अन्य संसाधन हैं जिससे अगर किसान शंभू बॉर्डर क्रॉस करके सिंघू बॉर्डर की तरफ आते हैं तो उन्हें दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सामने अगर एक बार आपको दिखाएं, राहुल जी एक बार जरा पैन करके दिखाइएगा आप सामने कि सामने किस तरह से जो वज्र वाहन है, सामने आप देखिए कि सामने आपको वज्र वाहन दिखाई देगा। और वज्र वाहन के अलावा ये आप देख लीजिए कि जो RAF की टीम है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। वो देखिए यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि किस तरह से कॉन्क्रीट के सहारे इसे भी पूरी तरह से पक्का कर दिया गया है ताकि फिर से वही चीज़ हम लोग फिर से एक बार दोहरा रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर कल यही स्थिति हुई थी कि ये जो कॉन्क्रीट वॉल्स थी इन्हें ट्रैक्टर के सहारे खींचा गया था, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, वो पूरी तरह से तैयार है। और ये आप देखिए कि कैसे कटीले तारों के सहारे यहाँ पर भी फ्लाईओवर के ऊपर भी बैरिकेटिंग की गई है। कल तक ये बैरिकेटिंग फ्लाईओवर के नीचे की तरफ थी, लेकिन आज ये बैरिकेटिंग फ्लाईओवर के ऊपर भी हो गई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि अगर किसान शंभू बॉर्डर को क्रॉस करने में कामयाब होते हैं तो सिंघू बॉर्डर पर किस तरह की स्थिति बनती है। अच्छा, एक बात बताओ भाई, कितनी देर में लग जाते होंगे ये? 5-10 मिनट में और 50 बंडल अभी और मौके पर मौजूद है जो कि लगाए जाएंगे।